में अब चंद ही दिन बचे हैं, 22 जनवरी है वो दिन, और पिछले कुछ दिनों से हम ऐसे शहरों की चर्चा कर रहे हैं जिनका श्री राम या अयोध्या से गहरा जुड़ाव है। और सुमित आज फिर एक और ऐसा ही स्टॉक लेकर आए हैं। सुमित गुड मॉर्निंग, बताइए आज का स्टॉक। मॉर्निंग, आज जो कंपनी लेके आया हूँ वो रिसेंटली सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड भी रही है और बहुत फोकस में भी रही है और शायद ये आगे भी फोकस में रहने वाली हो, वो है IRCTC। इसके ऊपर आप नज़र रखिए क्योंकि इन्होंने रिसेंटली अयोध्या के लिए करीब करीब 1000 ट्रेनें चलाने का जो फैसला है, जो देश भर से चलेंगी अलग अलग क्षेत्रों से, और ना केवल अभी अगले 10-15 दिन में बल्कि अगले 100 दिनों के अंदर ये ट्रेन चलते हुए दिखाई पड़ेंगी। तो अयोध्या के लिए सारी ट्रेन चलेंगी और देश भर के अलग अलग हिस्सों से चलते हुए दिखाई पड़ेंगी अगले 19 जनवरी से पहले, और शुरू होंगी ये ट्रेन और अगले 100 दिनों के लिए ये ट्रेन चलते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो पूरा का पूरा जो इसका डिटेल है वो IRCTC के पास है, आस्था स्पेशल ट्रेन के नाम से ये ट्रेन चलते हुए दिखाई पड़ेंगी। करीब करीब अनुमान लगाया जा रहा है कि 50,000 यात्री रोजाना अयोध्या के स्टेशन पर पहुंचते हुए दिखाई पड़ेंगे, तो इस तरह का एक बड़ा इनफ्लो होगा। और क्योंकि केटरिंग का कारोबार भी IRCTC ही संभालती है, कंपनी ने कई सारे नए टूर पैकेजेस भी लॉन्च किए हैं और वो भी कंपनी के लिए आने वाले समय में एक अच्छे ट्रिगर के तौर पे कामकाज करते हुए दिखाई पड़ेंगे। अलग अलग क्षेत्रों से कंपनी ने ये जो ट्रेन से लॉन्च की हैं, जिसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, यानी कि 4 महानगरों में तो शामिल हैं ही, साथ ही साथ बेंगलुरु, पुणे, नागपुर, लखनऊ, ऐसे अलग अलग क्षेत्रों से भी ये ट्रेन जो हैं पहुँचते हुए दिखाई पड़ेंगे। कई और छोटे और बड़े शहर जो हैं जहाँ से ये ट्रेन होते चलते हुए दिखाई पड़ेगी, तो ये कंपनी के लिए एक बड़ा ट्रिगर है। जब से IRCTC वैसे तो मार्केट कैप में करीब करीब 75,000 करोड़ रुपये के आसपास पहुँच गया है और 25% आसपास का उछाल एक महीने के दौरान स्टॉक में आता हुआ भी दिखाई पड़ा है इन्हीं सब ट्रिगर्स के बीच में भी। IRCTC के कारोबार को भी अगर आप बायफरकेट करेंगे तो इंटरनेट टिकटिंग से करीब करीब 54% के आसपास का रेवेन्यू है, केटरिंग से करीब 27% के आसपास का रेवेन्यू है, ट्रेवल एंड टूर से करीब करीब 10% का रेवेन्यू है और पैकेज वाटर से रफली 9% के आसपास का रेवेन्यू है। तो एक अच्छे खासे रेवेन्यू सेगमेंटेशन और सबको बड़ा इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा अगर ऐसे ही कुछ तरह एक्सपेंशन कंपनी करते हुए दिखाई पड़े। तो IRCTC आज का स्टॉक जिसके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। IRCTC आज का स्टॉक इन फोकस उस भव्य श्री राम मंदिर के कनेक्शन की वजह से। चलिए अब बात करते हैं CNBC आवाज़, सुमित बहुत बहुत शुक्रिया, CNBC आवाज़ के बर्थडे सेलिब्रेशन, और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं समीर अरोरा, हीलियस कैपिटल के समीर अरोरा, जिनके पास इन्वेस्टिंग में करीब 3 दशक का अनुभव है और बाज़ार ऊपर जाए या नीचे आए समीर जी को पैसा बनाना आता है और वो उन्होंने किया भी है। और आइए उनसे जानते हैं कि अब इस समय क्या करना है। अच्छा, एक और चीज़ है कि हम जब अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो हीलियस कैपिटल का भी बर्थडे होता है और हीलियस के भी 19 साल पूरे हो रहे हैं CNBC आवाज़ की तरह ही। समीर जी बहुत बहुत शुक्रिया, ये हमारी एक स्टैंडर्ड मुलाकात होती है, मतलब ऑब्वियसली साल भर हम बात करते हैं लेकिन ये एक स्टैंडर्ड हमारी मुलाकात होती है। इस बार सैटरडे को पड़ गया तो हम फ्राइडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको भी बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। मैं यही कहने वाला था कि आपने बताया कि नहीं कि एक्चुअल बर्थडे कल है 13th, हाँ के लिए, बट हैप्पी बर्थडे। एंड ये भी बड़ा कोइंसिडेंस है कि खाली बर्थडे नहीं, सेम स्टार्टिंग ईयर भी सेम है। वेरी इंटरेस्टिंग, थैंक यू। सेम डे और बिल्कुल 13 जनवरी। चलिए तो 2005, तो समीर जी क्या करें मार्केट में इस समय, क्योंकि मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, हर कोई करेक्शन की एक्सपेक्टेशन कर रहा है, ऑलमोस्ट करेक्शन की भीख मांग रहा है लेकिन करेक्शन आ नहीं रही है मार्केट में, मतलब बहुत शैलो करेक्शंस आती हैं, 100-200 पॉइंट से ज्यादा, 300 पॉइंट से ज्यादा आती नहीं है, क्या करें ऐसी मार्केट में? नहीं, मार्केट में ओवरऑल बुलिश होना तो जायज है। द ओनली थिंग था कि मैं मिड कैप स्मॉल कैप से डर रहा था और वो मैं अभी भी थोड़ा सा लगता है कि अगर करेक्शन होगी तो वहां से होगी और वो आपको समझ नहीं आएगी। आप ये नहीं कह सकते हैं अब कौन से रीजन से होगी, वो ऐसे नॉर्मली होता नहीं है, कुछ भी रीजन बन जाता है। बट इन जनरल ओवरऑल मार्केट का बुलिशनेस तो जायज है। मेरा जनरल व्यू था और अभी भी, अब तो दिन निकलते जा रहे हैं, कि जनवरी वुड बी अ स्केरी मंथ, लेकिन हमारा हर बार का ये रहा है कि हम पहले मंथ में थोड़े कॉशियस रहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि नया साल अच्छा शुरू हो। और अब वो 10 दिनों में अब 4% एनएवी भी बढ़ गया तो वैसे कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। बट जनरली है कि आपको 15-20% टाइप जो रिटर्न मार्केट 15-16% 14% रिटर्न जो देती है, उस टाइप के रिटर्न एनुअलाइज मैं को तो इतना कॉन्फिडेंस हो गया उसमें कि आप कोई पीरियड लीजिए उसमें ये रिटर्न आ जाता है, तो उस हिसाब से चलते रहिए और क्या। प्लीज प्लीज प्लीज।
अच्छा, थोड़ी और बात करेंगे मार्केट्स पर भी, लेकिन समीर जी पिछले 19 साल से आप लगातार जुड़े रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली हीलियोस के साथ, सीएनबीसी आवाज के साथ, आपके हिसाब से 19 साल में हमारी मार्केट्स में क्या बड़े चेंजेस आए? बाय द वे, हम ऑल टाइम हाई हिट करने की तैयारी कर रहे हैं, उस पर भी ध्यान रखेंगे, लेकिन क्या बड़े चेंजेस आए आपके हिसाब से? बड़े चेंजेस जो हम पहले शुरू में जब यू नो मैं तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ज्वाइन किया 93-94 में, और 98 से हम ये कहते थे 95 से कि अब एक दिन ये रिटेल इन्वेस्टर आएंगे। मुझे याद है उन दिनों में इनाम वगैरह ये प्रेजेंटेशन बनाते थे बड़ी बड़ी जो हम यूज करते थे कि यूएस में इतने इन्वेस्टर हैं, वहां पे इतने इन्वेस्टर हैं, और एक दिन हमारे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में इतने होंगे, लेकिन वो आए नहीं। वो फाइनली इस रेंज में, मतलब इस पीरियड में आए हैं बेसिकली आफ्टर डीमोनेटाइजेशन। सो सबसे बड़ा चेंज ये हुआ कि शुरू में एंड ऑफ 90s एंड 2000s में FII का फ्लो डोमिनेट करता था मार्केट को, और अगर उनका मूड अच्छा, मैं तो FII था मोस्टली ऑन माय लाइफ, तो हमारा कह ले तो उस क्लोज के हिसाब से मार्केट चलती थी या गिरती थी। अब वो बैलेंस हो गया है, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि FII की तो अब जरूरत नहीं है, खाली डोमेस्टिक कैन डू एवरीथिंग, बिकॉज आपको सारी लेग्स स्ट्रॉन्ग चाहिए अगर आप किसी चीज को स्टेबल करना चाहते हैं या रन करना चाहते हैं, बट दैट इज द बिगेस्ट इन्फ्लुएंस। लेकिन सेकेंड इन्फ्लुएंस जो रिसेंट ईयर्स में हुआ है, पर्टिकुलरली आफ्टर पोस्ट कोविड, वो मुझे लगता है कि स्पेकुलेशन की हाइट भी बहुत बढ़ गई है। और तो पहले भी ये नहीं कह सकते कि 99 में आईटी में स्पेकुलेशन नहीं की हमने सबने, या 2000 में, या फिर 2007-8 में जब ये इंफ्रा वगैरह के आईपीओज आए, लेकिन अभी का स्केल एटलीस्ट आजकल लगता है कि बड़ा ही हाई फाई स्पेकुलेशन हो रही है हमारी मार्केट में। और मोर देन दैट, पहले क्या होता था कि जो कंपनियां पब्लिक होती थी वो रिलेटिवली स्मॉल मीडियम कैप साइज में लिस्ट होती थी, क्योंकि उनके पास और कोई तरीका नहीं था टू रेज मनी। अब ये कंपनीज पहले प्राइवेट इक्विटी फंडिंग करते हैं या वीसी फंड करते हैं, जो भी करते हैं, तो जब तक वो मार्केट में आती है उनके फर्स्ट 5-10 साल की ग्रोथ जो है वो प्राइवेट मार्केट वाले लोग ले जाते हैं। ऑफकोर्स कई कंपनीज वो फंड करते हैं जो पब्लिक ही नहीं होती, तो इन दी एंड इट्स नॉट कि वो बड़े पैसे बना रहे हैं, बट एज फार एज द कंपनीज दैट डू लिस्ट वो थोड़ी लेट आती हैं हमारी मार्केट में। एंड क्योंकि दूसरी तरफ सेलर फाइनेंशियल इन्वेस्टर होता है, द फंड या जिसने भी उसमें इन्वेस्ट किया फाइनेंशियली, तो वो इतनी सस्ती भी नहीं आती, तो इसलिए वो उससे भी मुश्किल हो गई है थोड़ी। ओके, आपने आईटी की बात की समीर, और आईटी पर आप खैर थोड़ा आपने एक व्यू लिया था कि अभी आप दूर रहेंगे उससे, लेकिन कल जो इंफोसिस और टीसीएस ने किया, क्या उस व्यू में चेंज अब आ रहा है उस डेवलपमेंट के बाद? उसमें हम सोच रहे थे आज की चेंज आना चाहिए कि नहीं, तो देर आर टू इश्यूज। वन इज की अगर आप अभी भी देखें तो नेक्स्ट 2 ईयर्स की, नॉट 1 साल की, 2 साल की ग्रोथ आप कोई भी ब्रोकर का वो बना लें तो वो 10-12% ग्रोथ बोलता है इन कंपनीज की। अब 10-12% ग्रोथ ठीक है अगर वो कई सेक्टर्स में हो, लेकिन 10-12% के लिए आपको बड़ा एक्शन लेने का दिल नहीं करता। एंड सेकंड है कि अब हम अपने कौन से शेयर बेचे टू बाय दिस, तो हम कहते हैं 10-12% उनको बनाने दो, हम भी कोशिश करेंगे 15-20 बनाने की, फिर देखते हैं। बट द पॉइंट इज कि वो भी 10-12 उन्होंने प्रोजेक्ट किया है, होप किया है, कंपनियों ने तो इतना भी नहीं बोला। एंड सेकेंड थिंग इज अगर आप सोचें कि ये मार्केट जो है, ये स्टॉक्स जो है 15% चल जाएंगे, 20% चल जाएंगे, तो अगर आज ये स्टॉक 6-7% बढ़ जाए तो क्या बचा है? तो अब ये है कि कल रात को होती अलग बात थी, मुझे लगता है कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है इतनी कि पहले कोई और शेयर बेचें और फिर ये खरीदें, क्योंकि ये इनका शायद 11% ग्रोथ हो जाए 2 साल में एनालाइज्ड, जबकि हमारी GDP ग्रोथ 11% से ज्यादा होगी रूपी टर्म्स में, और ये रूपी टर्म्स की परफॉर्मेंस की बात करें। ओके, तो ठीक है, तो फिर आप इस समय कहां बैट ले रहे हैं समीर जी, किस समय 2024 में आपकी बड़ी बैट्स क्या होंगी? तो हमारी मतलब बैट्स तो पहले से ही हैं, अब नई का तो बाद में पता लगेगा। अभी हमारे जो जहां पे सक्सेसफुल बैट्स हुई हैं वो बैट्स हैं, एक तो HPCL टाइप में हो गई, एक ये Zomato टाइप में हो गई, और तीसरी जो नई सक्सेसफुल हुई है वो है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। लेकिन अगर आप अभी भी देखें तो प्राइवेट सेक्टर बैंक तो सोते सोते भी 15% ग्रो करेंगे, 14% ग्रो करेंगे। एंड ऑफ कोर्स यू कांट कंपेयर कि
आईटी सेक्टर का 11% ग्रोथ और बैंकिंग का 14-15, बिकॉज आप कहेंगे कि बैंकिंग सेक्टर का आरओई कम होता है और इंफोसिस वगैरह का आरओई तो उसे डबल ही होता होगा बैंक्स वगैरह से, बट स्टिल बॉटम लाइन इज इस समय 11% ग्रोथ अगर हमारे बैंक्स दिखाएंगे तो हम उनको गालियां देंगे, और ये अगर 11% के दिखा नहीं रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि वो 11% करेंगे तो लोग इतने खुश हो रहे हैं, इतना भी फर्क नहीं होना चाहिए। सो ब्रॉडली हमारे बेट्स रहे हैं फाइनेंशियल ऑफ कोर्स, लिटिल बिट कंज्यूमर एंड लिटिल बिट दिस न्यू एज कंज्यूमर कह लें जो भी है, जोमाटो वगैरह, एंड रिसेंट में चला ये जो अभी आपने प्रेजेंट किया IRCTC वगैरह, आप देखें हमारे म्यूचुअल फंड डिस्क्लोजर में वो भी हमारे पास है ठीक, और ये HPCL वगैरह, ये है जो रिसेंट मतलब लास्ट 6-8 महीने के नए स्टॉक्स हैं जो हमारे डिफरेंट फंड्स में आए। में तो आपने बॉटम पिक कर लिया था, मुझे याद है वो हमारे हमने जो वॉक द टॉक शो किया था उसमें आपने बोला था HPCL। यहाँ पर HPCL हाँ, यहाँ पर आपके हिसाब से क्या कहानी रही है और क्यों ये स्टॉक अब इतना चल रहा है? क्योंकि नॉर्मली कहते हैं कि इलेक्शन से पहले रिस्क होता है कि प्राइस कट्स आएंगे या नहीं आएंगे। तो यही डर मुझे भी था बीच में, लेकिन फिर बाद में मुझे लगा कि एक तो टाइम फॉर एक्चुअल इलेक्शन बहुत कम रह गया है, विच मीन से 4 months राइट, तो 4 महीने में अब वो कट करना होता तो कर चुके होते, लेकिन अब वो कट करें तो उसका लोग भी बोलेंगे मतलब इन्वेस्टर बोलेगा 3-4 महीने इलेक्शन के रह गए हैं, चलो एक क्वार्टर थोड़ा रिजल्ट वो हो जाएगा, लेकिन आप 3 quarters के रिजल्ट देखें तो बहुत अच्छे हैं, लाइक आई थिंक EPS इन 3 quarters फॉर द फुल ईयर ऑलरेडी इन 3 quarters विल बी मोर देन 110 or 120 rupees। अब आजकल क्या है कि ये गवर्नमेंट का रूल है, मिनिस्ट्री ऑफ जो भी प्राइवेट है उसका, कि भाई आप 30% PSUs को 30% डिविडेंड देना सॉर्ट ऑफ कंपल्सरी है, तो आप 30-35-40 रुपए आप डिविडेंड देंगे और अब 4 महीने रह गए अगर आप 3rd quarter के बाद भी दें या 4th quarter के बाद दें तो वो भी अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद अब गवर्नमेंट बोले ही ना क्योंकि तो 4 महीने हैं, गवर्नमेंट माइट थिंक कि ये पैसे जो हम रेस कर रहे हैं, जो टैक्सेस रेस कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा वो है उसको आप बाद में जिन सेक्टर्स में आपने स्पेंड करना है वहां स्पेंड कर लें, आप डिविडेंड लेके अपना इंफ्रा में कर लें, इट डिपेंड, बट मेरा कहने का मतलब है कि 4 महीने रह गए हैं तो अब आप टैक्स सॉरी अगर आप प्राइस कट करें ऑयल की, इट इज टू लेट टू मेक अ बिग डिफरेंस टू द कंपनी, एंड ऑल्सो आई थिंक टू इलेक्शन वो वैसे ही जीत रहे हैं अच्छी तरह, तो क्या फर्क पड़ता है कि आपने ये 4 रुपए काटे कि नहीं काटे, लेकिन अगर नहीं काटे तो कंपनी के लिए बहुत बढ़िया हो गया। सो आई थिंक अब 1 जनवरी भी खत्म होने वाली है आधी, अब क्या करेंगे काट के। अच्छा समीर जी, ये रियल एस्टेट यहाँ पर बहुत पैसा बनाया, खासतौर से DLF जैसे स्टॉक्स में। यहाँ पे 2024 में भी लग रहा है आपको बड़ा पैसा बनेगा? तो हमने हमारे पास DLF काफी था, मेरे फंड में तो नियरली 5% था, वो मैंने थोड़ा कट किया है बट अभी भी है काफी, लाइक 3% होगा उसमें। ये मेरे को लगता है कि ना ये अब ये लाइक ट्रेडमिल टाइप बन गया कि आप हर क्वार्टर में इतने बड़े पता नहीं 10,000 करोड़ के आप अपार्टमेंट बेच देंगे, वो DLF के सेक्टर 79 में होंगे जहां वो मेन गुड़गांव से, सॉरी गुड़गांव के जो आगे मेन गुड़गांव से 50 मिनट आगे है, वो कितने आगे कितने प्रोजेक्ट बेचेंगे ये थोड़ा मुश्किल है। तो अभी हमारे पास है बिकॉज ऑब्वियसली ये जो रियल एस्टेट की साइकिल्स होती हैं वो 5-5, 6-6 साल चलती हैं, ये भी लगता है कि आजकल इतनी स्पेकुलेशन नहीं होती तो ये माइट बी एंड इन्वेस्टर्स, बट फिर भी मुझे लगता है कि आप हर क्वार्टर इतने बड़े स्केल के प्रोजेक्ट्स कितने करेंगे और कितने बिकेंगे, बिकॉज वो लैंड ऑफ कोर्स लैंड बहुत है, लेकिन आप सोचिए सेक्टर 79 में तो मैप में देखा था वो मेन गुड़गांव जो इटसेल्फ बड़ा दूर है दिल्ली से आजकल बिकॉज ऑफ ट्रैफिक एंड ऑल, उससे 50 मिनट 1 घंटा आगे है, वहां पे 20 करोड़ का अपार्टमेंट लेने वाला कौन अमीर आदमी है, थोड़ा सा मुझे भी डाउट है, बट आई ओन इट, आई हैव ओन्ड इट फॉर 2-3 ईयर, बहुत पैसे बने और हम बड़े शुक्रगुजार हैं इस कंपनी के, बट फिर भी थोड़ा सा वो है, ज्यादा ना हो जाए। हाँ, वो तो है। खैर, अच्छा आपने बात की IRCTC की, क्या इंडिगो भी है आपके पोर्टफोलियो में या GMR एयरपोर्ट, क्या यहाँ पर भी व्यू पॉजिटिव है? हो गया वो भी मैंने सोचा था बट इंडिगो है, मगर लॉजिक हमारी ये रही लास्ट 6-8 months से कि लोग पैसे एक तो स्पेंड नहीं कर रहे हैं इन कंज्यूमर आइटम्स, लेकिन ट्रैवल और एक्सपीरियंस वगैरह में क्लियरली हो रहा है, वो
6 महीने से हो रहा था, अभी भी हो रहा है। होटल्स हमने सारे ले लिए, मतलब दो। फिर हमने कहा कि जब मैंने भी इंडिया में ट्रैवल किया बिकॉज ऑफ म्यूचुअल फंड लॉन्च, मैंने देखा कि इतना इतनी मतलब ग्रोथ है इन दी स्मॉलर प्लेसेस, बट मोस्टली एवरीबडी वॉन्ट्स एक्सपीरियंस मोर देन बाइंग। बिकॉज अगर वो खरीदते नहीं है तो मोबाइल फोन वगैरह खरीदते हैं जिसकी डायरेक्ट इंडिया में कोई हमें स्टॉक नजर नहीं आते हैं, बट द मनी हैज बीन रीडायरेक्टेड टुवर्ड्स दीज थिंग्स। सो हमने तो सारे फिर ट्रैवल ओरिएंटेड एक थीम बना के इंडिगो भी ले लिया, IRCTC भी ले लिया, होटल्स पहले से ही थे। बिल्कुल, होटल्स में आपके पास इंडियन होटल्स तो था मुझे याद है, कोई और लेमन ट्री भी है क्या आपके पास? लेमन ट्री तो 2020 से है, उसमें भी बड़े बने हैं, या 21 से होगा, 20 से ही है, 28। हाँ, मैं इसमें एक पूछना चाह रहा था आपसे सवाल कि कोविड के बाद बहुत लोगों को लगा कि चलिए रिवेंज ट्रैवल है। उसके बाद हमने 2 क्वार्टर देखे इंडियन होटल्स के जिसमें क्वार्टरली प्रॉफिट उनके अब तक के ईयरली प्रॉफिट से ज्यादा था, लेकिन ये सस्टेन कर रहा है, ऐसा क्या हो रहा है? क्योंकि और मैं खुद काफी ट्रैवल करता हूँ, रूम ही नहीं मिलते। हाँ, रूम नहीं मिलते, बट आई जस्ट गिव यू माय स्टोरी। सो मैं 90s में USA इंडिया आया और उसमें उस वक्त ना अपार्टमेंट किराए पे मिलने बड़े मुश्किल थे। तो मैं एक साल के लिए मैं ट्राइडेंट, मतलब अब ट्राइडेंट उसका नाम है, उस वक्त तो ओबेरॉय नरीमन पॉइंट में रहा था होटल में। वहां पे होटल का किराया उस वक्त 6-7,000 रुपीज पर डे था, एंड दिस इज व्हेन वी हैड नेगोशिएटेड कि जी हम 6 महीने रहेंगे, 3 महीने रहेंगे, और उसको फिर एक्सटेंड करते रहते थे। और अभी रिसेंटली मे बी 6-8 months बैक, नॉट दैट ट्राइडेंट, बिकॉज नाउ आई स्टे इन द BKC1, वो अभी 7-8 हज़ार रुपये में मिल जाता था। तो आप सोचिए 25 साल के बाद उसी प्राइस में आपको मोरल लेस, क्योंकि अब वो ये नहीं कह सकते नरीमन पॉइंट से क्यों कंपेयर करें, अब द न्यू सेंटर इज BKC। बॉटम लाइन इज आई कैन सी माई सेल्फ कि एक्चुअली रेट्स नहीं बढ़े थे, लेकिन अब लास्ट 5-6 months में बहुत बढ़े हैं, एंड दैट कुड हैव बीन बिकॉज ऑफ वर्ल्ड कप और बिकॉज ऑफ G20 और जनरली वट एवर, बट इट इज देयर। एंड ऑल्सो अगेन होटल साइकल्स ऑल्सो लास्ट 3-5 years, 6 years, बिकॉज नए होटल पहले देखे बिल्डर डिवेलपर देखे कि पुराना होटल बड़े पैसे बना रहा है, फिर वो नया होटल बनाने की कोशिश करेगा, तो अभी सप्लाई भी नहीं है और अभी फॉरेनर्स भी पूरे नहीं आए हैं। बिजनेस अगर इतना चलेगा तो वो सब आएंगे, तो अभी बिजनेस ट्रैवल वगैरह भी होना है। एंड जनरली अब इंडिया में ये रिलीजियस टूरिज्म एंड नेशनलिज्म से कि हम इंडिया में पहले ज्यादा विजिट करेंगे, मिस्टर मोदी भी कह रहे हैं कि डोमेस्टिक शादियां इंडिया में ही करो, ये वगैरह, तो सब चीजों से ठीक है। अभी अभी मेन थिंग इज एवरीबडी वॉन्ट्स सर्विसेज एंड एक्सपीरियंस टाइप स्पेंडिंग रादर देन बाइंग अ टीवी एंड ऑल, क्योंकि आजकल वो टीवी लोगों ने खरीद लिए हैं बड़े बड़े और वो चलते रहते हैं 10-10 साल तक, उनमें आपको कुछ रोज रोज करना नहीं होता। अच्छा, एक और चीज समीर जी, क्योंकि आप इन साइकिल्स को काफी फॉलो करते हैं, अब इस समय जो US मार्केट में डेटा प्रिंट्स आ रहे हैं, सॉरी आपका क्वेश्चन कट हो गया, ओके, थोड़ा सा यहाँ पर समीर सॉरी दिक्कत आई थी ऑडियो की, अब अगर आप सुन पा रहे हैं, हमने शो के जब शुरुआत की थी तो उसमें आपने एक चीज़ बोली थी कि हमें ये नहीं मानना चाहिए कि हमको FIIs की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि उनके बिना भी मार्केट चला है, लेकिन फिर भी अब ऑब्वियसली अगर वो फ्लो आएगा तो अच्छा होगा। क्या 2024 में आपको लग रहा है कि अब फ्लो आएंगे वापस? नहीं जी नहीं, पहली बात ये नहीं है कि उनके बगैर भी चल रहा है, पहली बात तो 23 में उन्होंने कोई 20 odd billion डाले हैं। सेकेंडली उनके पैसे की वैल्यू हमारे इंडियन के पैसे से एक फर्क है, एक तो आपको डॉलर मिलते हैं,
सो दैट हेल्प्स इन अदर एरियाज. सेकेंडली वो डॉलर जब इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं तो उनको रुपीज चाहिए होते हैं, तो पहले आरबीआई को वो डॉलर को रुपी में कन्वर्ट करते हैं, तो रुपी की इंडिया में सप्लाई बढ़ जाती है जिससे लिक्विडिटी बढ़ जाती है. एंड थर्डली अगर आप देखेंगे सपोज 2 साल पहले प्राइवेट इक्विटी ने $50 बिलियन इंडिया में डाले, तो प्लीज रिमेंबर कि वो 5-6 साल बाद, अज्यूमिंग कि वो 5-6 साल में उसके पैसे डबल हो जाएंगे जो कि रीजनेबल है, तो उनको $100 बिलियन बाहर ले जाएंगे वो. सो प्राइवेट इक्विटी का पैसा आना मीन्स कि 5-6 ईयर्स बाद जितने पैसे आए आप अज्यूम करो पहले डबल बाहर जाएंगे, चाहे फिर वो एक और रिप्लेस हो जाएंगे एक और फंड से, बट आप स्केल डबल होता जाएगा. दैट मीन्स आपने 50 बिलियन अंदर डाले, 5-6 साल बाद वो 100 बिलियन चाहिए उनको एज अ मतलब द फंड्स बीइंग ओवर, एंड फिर वो 100 बिलियन आपने दे दिए उनको, फिर एक और कोई नए लोग आए या उन्हीं लोगों ने 100 बिलियन और डाले. बट दैट गेम इज अ टफ गेम. एफआईआई का क्या है कि एफआईआई लाइक अ डोमेस्टिक गाय, वो पैसे डालता है उसको कुछ खास चाहिए नहीं, वो अगर 5-10 बिलियन निकालने की कोशिश करेगा तो मार्केट 20% गिर जाएगी, वो वैसे और नहीं निकालेगा. इट इज सॉर्ट ऑफ परमानेंट मनी फॉर यू एंड नॉट मच एक्सपेक्टेशन एक्सेप्ट कि मार्केट ठीक ठीक चलती रहे. सो एफआईआई के पैसे को तो हाई वो देना चाहिए. इट इज वो ना तो आपसे कोई कंट्रोल मांगते हैं, ना आपसे कोई फिक्स टाइम में कि मेरे को डबल चाहिए इन 5 ईयर्स एंड देन आई विल टेक आउट एवरीथिंग इवन इफ आई देन पुट इट बैक इन अ न्यू हैट. सो इट इज हाई क्वालिटी मनी. एंड ऑल्सो दे हैव पुट 23 में उन्होंने डाले हैं तो 24 में पक्का डालेंगे, क्यों नहीं डालेंगे. अगर जनरली वो हर साल डालते हैं, खाली एक आध साल में विच इज 22 में नहीं डाले थे, एंड उससे पहले 18 में, उससे पहले आई थिंक 13 में कि 11 में. सो इट्स नॉट कि वो हर साल हर वक्त निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं. करंट AUM ऑफ FIIs इन इंडिया, आई जस्ट सॉ रिपोर्ट, वो $740 बिलियन है. तो कोई कम थोड़ा है उनके पास. नहीं है, 740 बिलियन डॉलर बहुत ज़्यादा है. समीर बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मैं कल आपको फिर से एक बार विश करूंगा बर्थडे की, वो लेकिन पर्सनल मैसेज पे करूंगा ऑब्वियसली, क्योंकि चैनल पर तो कल हम लाइव प्रोग्रामिंग में होंगे नहीं. बट बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए. थैंक यू वेरी मच, हैप्पी बर्थडे. चलिए अब एक काम करते हैं, बस एक छोटा सा ट्रांजिशन लेते हैं और उसके बाद एक और खास मेहमान, बहुत खास मेहमान हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे. जी हाँ, मनीष चौहानी जुड़ गए हमारे साथ, लेकिन वो बस एक 30 सेकंड के ट्रांजिशन के बाद. 1, 2, 3 स्टार्ट करूं? लाइन क्या बोलना है बोलो. नहीं समझा क्वेश्चन, फिर से पूछो. क्या बोलूं? इसको तो सोचना पड़ेगा ऑब्वियसली. ये हाँ ऐसा ठीक है. चलो सबसे ज्यादा सवाल पूछते हैं नीरज वाजपेयी जी. फातिमा तुंगनाथ. पीयूष के पास बहुत सवाल होते हैं. हाँ पढ़ना. विपिन भट्ट. सुमित मेहरोत्रा. सौरभ गुप्ता. PCR से. मनोज जी सबसे ज्यादा हंसाते हैं. हमारे ड्रेसमैन लालता प्रसाद यादव. जतिन मोहता. आकाश शिवानी. शिवम. आशीष वर्मा. जो मेरा पैशन है ऑटोमोबाइल्स के लिए, उसको परस्यू करने की लिबर्टी. होनहार लोगों के साथ काम करने का मौका और साथ ही मिलने का मौका. आम जनता से जो मेरा जुड़ाव है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है. एक रिटेल इन्वेस्टर के साथ कनेक्ट. इतना ज्यादा हिंदी बोलने का मौका मिला. मेरी तो टीवी पे आने की. हैप्पी बर्थडे CNBC आवाज. CNBC आवाज को ढेर सारी शुभकामनाएं. 19 सालों का शानदार सफर. CNBC आवाज की बादशाहत रहे बरकरार. 19 साल का पूरा हुआ सफर. हैप्पी बर्थडे CNBC आवाज. 19 सालों के यादगार सफर के लिए बहुत बहुत बधाई. CNBC आवाज को 19 साल पूरे होने के लिए हैप्पी बर्थडे. CNBC आवाज 19 साल पूरे होने पर बहुत बहुत मुबारकबाद. हर साल है कमाल बेमिसाल. बेमिसाल 19 साल पूरे करने पर CNBC आवाज को ढेरों शुभकामनाएं. CNBC आवाज कीप रॉकिंग. CNBC आवाज को 19th बर्थडे की ढेर सारी शुभकामनाएं. हैप्पी बर्थडे CNBC आवाज.